हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही टेस्टी, टैंगी और क्विक एंड सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इवनिंग स्नैक की रेसिपी है। तो आप सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में मसाला पापड़ खाया होगा और ये उसी का एक ट्विस्ट है। तो हम आज बनाने वाले हैं पापड़ कोन्स, पापड़ कोन चाट भी आप इसे बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों को जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पहले हम वो देख लेते हैं। हम लोगों को यहाँ पे पापड़ चाहिए होंगे रोस्टिंग के लिए। आप कोई भी पापड़ ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे उड़द के पापड़ लिए, आप मूंग के भी ले सकते हैं। एक से दो चाहिए होंगे। बेसिकली एक पापड़ में आपके दो कोन्स बनेंगे। फिर आपको फिलिंग के लिए सामान चाहिए होगा। फिलिंग में मैं यहाँ पे कॉर्न यूज़ कर रही हूँ, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ कुकुम्बर, टमेटो, हरी मिर्च, कुछ मूंगफली के दाने मैं यूज़ करूंगी। और उसको स्पाइसी बनाने के लिए और टैंगी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा लेमन डाल रही हूँ। मसालों के अंदर चाट मसाला, नमक और मिर्च डाल रही हूँ। मिर्च ऑप्शनल है। अब हम इसका मेथड देख लेते हैं। सबसे जो इसमें मेन चीज़ है वो है कि आप इसके कोन्स कैसे बनाएंगे। तो जो आपका पापड़ है, पहले आप उसको हाफ्स में कट कर लीजिए। आप सीजर से कर सकते हो या चाकू से कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको बनाना कैसे। तो मैंने यहाँ पे एक तवा गरम कर लिया है, इसके ऊपर हमने अपने पापड़ को प्लेस कर दिया। इस तरीके से दबा दबा के हम इसको रोस्ट कर लेंगे। अब जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि पापड़ को जब आप रोस्ट करेंगे तो उसको कड़क नहीं होने देना है। जब आपका दोनों तरफ से पापड़ कुक हो जाए तो कुक होते ही आपको उसको कोन शेप देनी है, अदरवाइज हार्ड हो जाएगा तो वो कोन फॉर्म करने की जगह ब्रेक हो जाएगा। ये मेरा तीसरा पापड़ है जो सही से बना है। तीन पापड़ में पहले ब्रेक कर चुकी हूँ। अगर जितना तेज गरम होगा तवा उतनी जल्दी आपका पापड़ सिक जाएगा। ये बबल्स जो आ रहे हैं आपको नजर आ रहे हैं, पापड़ का ब्राउन होना जरूरी नहीं है, सिर्फ दोनों तरफ से कुक होना जरूरी है। पापड़ जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव होते हैं, यूजुअली काफी लोगों के मील्स के अंदर ये एवरीडे कंज्यूम होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको एक स्नैक का ट्विस्ट दे रहे हैं। तो ये आपका पापड़ जो है ये बन के रेडी है। अब ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये बहुत गर्म होता है, तो बहुत केयरफुली आपको इसको टर्न करना है, दोनों एंड्स इसके मिलाने हैं। तो ये इस तरीके का कोन बन जाएगा। तो जैसे ही आप इसे फोल्ड करेंगे, आप इसको किसी छोटे से कप में या इस तरीके के कोई भी चीज के अंदर इसको प्लेस कर दीजिए। जैसे ही ये ठंडा होगा ये इस तरीके से हार्ड हो जाएगा और आपका प्रॉपर कोन फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारी आउटर कवरिंग हो गई। अब हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं इनको हम ऐड करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे स्वीट कॉर्न ले रहे हैं, ये हमने लगभग 2 टेबल स्पून लिया है। उतना ही हम प्याज डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इसको हम लोग चॉप्ड यूज़ कर रहे हैं, फाइन चॉप्ड। टमाटो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है, पर इसको भी आप 2 टेबल स्पून ले सकते हैं। देन हमारा खीरा जाएगा, फिर इसमें जाएगी हरी मिर्च, हरी मिर्च ऑप्शनल है, पीनट्स डाल दीजिए। ये सारी चीज डालने के बाद एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये डालने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून के आसपास हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। सॉल्ट जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, चाट मसाला में भी सॉल्ट होता है तो आप उस अकॉर्डिंग डालिएगा। हम लोग रेड चिली यूज कर रहे हैं पर ये ऑप्शनल है। और फाइनली हम इसके अंदर लेमन स्क्वीज करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैं इसको लो कैलोरी बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें सेव वगैरह का यूज नहीं करा है, पर आप चाहें तो इसके अंदर सेव भी डाल सकते हैं। अब ये हमारा जो फिलिंग है ये बन के रेडी है। अब हम इसको अपने जो कप्स हैं, हमारे कोन्स हैं, उसमें डाल लेते हैं। ये प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप, आपके घर पे कोई पार्टी है या आप बच्चों को कोई स्नैक सर्व करना चाहते हैं। स्टैंडर्ड जो मसाला पापड़ होता है वो यूजुअली बच्चे नहीं लाइक करते, ये एक अच्छा ट्विस्ट है उसको देने का। एंड इट्स एब्सोल्युटली लो कैलोरी क्योंकि हमने इसमें सिर्फ वेजिटेबल्स यूज़ करे हैं और पापड़ को भी फ्राई करने की जगह हमने रोस्ट किया है। तो ये इस तरीके से आपके जो कोन्स हैं ये रेडी हैं।
इसको गार्निश करने के लिए आप सेव का यूज कर सकते हो, बूंदी का यूज कर सकते हो, या और कोई आपके पसंद की नमकीन हो वो उससे आप इसको सर्व कर सकते हो, या फिर सिंपली थोड़ी सी हरी चटनी डाल के भी आप इसको सर्व कर सकते हो। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में।